इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, उसका रुख करते हैं। किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी इसमें मंथन हुआ है। तो बड़ी खबर, किसान के मसले को लेकर बैठक हुई। सिंचाई व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसानों को सहूलियत कैसी मिले, किसान कल्याण प्राधिकरण की ये बैठक थी और बैठक खत्म हो गई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। इसमें कई मंत्री मौजूद थे और किसानों का कैसे भला हो, हरियाणा किसानों को कैसे सहूलियत मिले, सिंचाई की व्यवस्था में सुधार कैसे हो, इसको लेकर मंथन हुआ। पवन सिवर वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। पवन सिवर, बैठक हुई, क्या कुछ मंथन हुआ इस बैठक में? जी बिल्कुल, किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे हैं। बैठक में किसानों की स्थिति को बेहतर किस तरह से किया जाए इसके ऊपर चर्चा की गई है, और साथ ही जो जल प्रबंधन है, सिंचाई का जो किसानों को पानी दिया जा रहा है उसको किस तरीके से कैसे आज वो और ज्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सकता है इस पर चर्चा की गई है। किसान की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए, यानी जो किसानों की आय है उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा हुई है। मछली पालन पर बातचीत हुई है। फसल विविधीकरण को लेकर चर्चा की गई है, यानी किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है, चाहे वो किसान की आय बढ़ाने की बात है, किसानों की फसलों विविधीकरण की बात हो, फसलों की बात है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और बैठक में तमाम इन चीजों के ऊपर रणनीति जो बनाई गई है अभी बैठक खत्म हो चुकी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में क्या क्या और चर्चा की गई है इसकी जानकारी देंगे। जी पवन सिवर, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है उस वक्त जब हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और किसान उनकी आर्थिक जो हालत है वो खराब होती जा रही है, सरकार के ऊपर एक दबाव भी है, ऐसे में ये बैठक होना काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसान और किसानी के हालात के मद्देनजर इस तरीके से पूरे देश भर में किसानी बड़ा मुद्दा जो वो बनी है, और किसानी की हालत को कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए तमाम प्रयास जो है वो, चाहे तमाम राज्यों की सरकार है या फिर केंद्र सरकार ने जो एमएसपी पे कमेटी गठित की है उसमें जो वो आगे बढ़ने की जिस तरह से बातें हो रही है उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है। किसान कल्याण प्राधिकरण किसानों की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, किसानों के लिए किस किस तरीके की योजनाएं शुरू की जाए, इन तमाम मुद्दों पर काम करेगा। लिहाजा आज किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में प्रदेश के किसानों की बेहतरी कैसे हो, कैसे किसानों को समृद्ध किया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम पहलुओं पर विचार किया गया है। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दोराय नहीं है, किसान की लगातार जो हालत खराब हो रही है, आमदनी जो है वो घट रही है, खर्चे किसानी के बढ़ रहे हैं, और ऐसे में किसान को और ज्यादा कैसे संपन्न किया जाए, सरकार इसके लिए क्या नीति बनाए, इसी को लेकर आज किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में चर्चा की गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। पवन सिवर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि आज किसानों को लेकर सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई कि सिंचाई व्यवस्था, किसानों की कैसे आमदनी को बढ़ाया जाए, इसको लेकर मंथन हुआ। किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक थी, खत्म हो गई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी किसानों को लेकर, सिंचाई व्यवस्था, किसानों की आमदनी, किसानों की फसलों को किस तरह से सही तरीके से मंडी में पहुंचाया जाए, तमाम मसले ऐसे हैं किसानों से जुड़े जिसको लेकर मंथन हुआ।